हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए बात करेंगे बीएसएफ कट ऑफ मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ जो ट्रेड्समैन का कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है, क्या उसकी स्ट्रेटजी रही, कितने मार्क्स अगर आपके उसके बीच में हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जी हाँ दोस्तों, और ये वीडियो हमने बनाया है हमारे ही स्टूडेंट्स के मैसेज के कमेंट्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए जो अच्छा कट ऑफ होता है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, वो होता है आपके खुद। जी हाँ दोस्तों, जब आप जैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देते हैं, जो एग्ज़ाम में बैठते हैं, जो पेपर लिख के आते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट न्यूज चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और जब भी कोई नया सरकारी फॉर्म आता है तो उसकी नोटिफिकेशन से लेकर हम उसके फाइनल रिजल्ट तक, जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी अपडेट जो है आपको स्मार्ट न्यूज चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों, आपके लिए स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर मिलता है, वो भी फ्री में। जी हाँ दोस्तों, बस आपको करना होता है हमारे कमेंट सेक्शन में जाके या फिर हमें मेल करके आप अपने स्टडी से रिलेटेड जानकारी शेयर कीजिए और हम आपको उससे रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो ये भर्ती है कितनी जाएगी कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, सभी कैटेगरी वाइज, तो आज हम बात करेंगे सारी कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जर्नल से हम स्टार्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जर्नल में कितनी कट ऑफ जाएगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स ने जो मैसेज किया है उनका मैसेज जो आ रहा है वो 72 से लेकर 75 के बीच में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 72 से लेकर 75 के बीच में आ रहा है उनका मैसेज कि सर 72 से लेकर 75 के बीच में, यानी कि 72 से लेकर 75 के बीच में ही जो है जर्नल की कट ऑफ जाने वाली है। और दोस्तों, अगर आप जर्नल से बिलोंग करते हैं और आपका 70 और 75 के बीच में नंबर आ रहा है, जी हाँ दोस्तों, तो आप अपना सिलेक्शन पक्का समझिए, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। 70 से 72 जो बीच का जो नंबर है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने मार्क्स आना बहुत ही, जब समझ लीजिए, बहुत टफ है। और इतना अच्छा नंबर आने के बाद दोस्तों, आपका सिलेक्शन 101% पक्का है। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं ओबीसी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अब ओबीसी में कितनी कट ऑफ जाएगी, आपको पता है ओबीसी कट ऑफ जो है हमेशा अप्रोक्सीमेटली जर्नल से आसपास में ही रहती है। जी हाँ दोस्तों, इस बार भी कुछ इसी प्रकार का है, 70 नंबर। जी हाँ दोस्तों, अगर 70 नंबर के आसपास आप ओबीसी से हैं और आपने फॉर्म भरा है और आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका नंबर जो है आपने कैलकुलेट किया है, अपने जो भी आप जैसे मैच करते, चाहे गूगल से, चाहे अपने दिमाग से सोल्यूशन निकाल के, जो भी आपने जिस प्रकार से अपना नंबर चेक किया और 70 के आसपास ऐसा लग रहा है कि आप पा जाएंगे, तो आप जो है पक्का जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। जी हाँ दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो 70 नंबर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मेरी तरफ से अभी से ही शुभकामना है कि आपको जो है चुन लिया जाएगा, क्योंकि 70 नंबर ओबीसी की कट ऑफ जाने वाली है। अब बात करते हैं हम एससी कट ऑफ की। जी हाँ दोस्तों, एससी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो एससी कट ऑफ दोस्तों जाने वाली है आपकी 65 से लेके। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ने जो मैसेज किया है मुझे कि एससी कट ऑफ लेके, वो काफ़ी बोलते हैं नपातुला है। कुछ लोग कह रहे हैं सर 60 के आसपास में ही जाएगी, और काफ़ी लोगों की जो संख्या है वो 64-65 के आसपास दिखा रही है। तो इसलिए दोस्तों, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 65 का जो है टारगेट फिक्स कर लीजिए और इसमें 2 माइनस कर लीजिए, यानी कि 62-65 के आसपास में ही जो है आपकी कट ऑफ जाने वाली है एससी से। क्योंकि मुझे ज़्यादातर ज़्यादा मैसेज जो आ रहे हैं वो यूपी और बिहार के स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि सर इतनी कट ऑफ जाने वाली है, पेपर इतना भी ईजी नहीं था, लेकिन फाइनली जो है 62 से लेकर 65 के बीच में एससी कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों, जितने भी लोग एससी से बिलोंग करते हैं, जितने लोगों ने एससी से फॉर्म भरा है, उन सभी के मार्क्स अगर आपने कैलकुलेट किया है और आपको पता है कि आपके मार्क्स 60-65 के आसपास में आ रहे हैं, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का है। अब हम बात करेंगे एसटी की। जी हां दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो कट ऑफ आई है वो इतने ज़्यादा मात्रा में तो नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि कंपटीशन जो है हमेशा एसटी की जो है बहुत कम होती है, क्योंकि एसटी के स्टूडेंट्स उतने भारी मात्रा में नहीं आते पार्टिसिपेट करने। तो दोस्तों, इसके जो मेरे पास ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं आया था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपको बता दूँ तो 70-80 के आसपास इसके कमेंट आए हैं मुझे। अब 70-80 के कमेंट्स में मैं आपको इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूँ कि इसका कट ऑफ जो आ रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि आसपास में 60 नंबर के आसपास रहेगा या 55। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग अभी 60, आपको पता है कि 70 बच्चों के एक्सपीरियंस को अगर मैं शेयर करूं तो काफ़ी जो है लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको 70-70 जितने भी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है, सर 55 आएगा, सर 56 आएगा, कोई 58 कह रहा है, सर नहीं सर 52 आएगा, कोई 50 कह रहा है, कोई 45 कह रहा है। तो इस प्रकार जो मैंने एवरेज निकाला है, उनका एवरेज जो जा रहा है वो जा रहा है 60 पे। तो दोस्तों, अगर 60 नंबर के आसपास भी है या इससे एक दो नंबर आगे पीछे भी है दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों, आप पीछे जरूर, यानी कि 55 से लेकर 60 के बीच में, अगर आपको मैं आपको एक टारगेट दूँ कि 55 से लेकर 60 के बीच में अगर आप आ रहे हैं और शेड्यूल ट्राइब से हैं यानी एसटी से हैं, तो आपका सिलेक्शन
पक्का है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको पसंद आएगा और ये कट ऑफ है दोस्तों आप ही जैसे स्टूडेंट्स के जो एग्जाम में बैठे थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ही इसे लाइक कीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।